लाइव में होंगे। आपने बोला नहीं बोली बस अच्छा, बोली आप लोग बोलिए आधा घंटा बोलिए। अब आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, कोई प्रश्न तो उठाइए अपने मन से, तो दिल की बात तो निकालिए। अरे मुझे सुनाई नहीं दे रहे हैं, बोलो। भक्ति कैसे, भक्ति कैसे? देखा माइक नहीं है क्या? माइक प्रॉब्लम, सब छुट्टी में है अभी। देखिए बचपन में गुरुजी से बात हुई थी मेरी, देखा गुरुजी के अलमारी में एक किताब है, उसके बारे में बात कर रहा था मैं कि गुरुजी वो किताब दीजिए मैं पढ़ूंगा। गुरुजी बोले यही ये मैं यहाँ पूजा करता हूँ तुम पढ़ेगा? मैंने कहा मैंने पढ़ लिया, तू तीसरा रह गया इसको पढ़ना है। गुरु जी बोले तुम इसको पढ़ेगा कैसे? मैंने कहा सारा कंठस्थ हो गया, जो पूछेंगे वही बोल दूंगा। तो बोले अच्छा। तो उस समय उन्होंने जांच के लिए मुझे शॉर्ट संदर्भ दिया था श्रीजीव गोस्वामी जी के किताब, उसमें मैंने देखा कि भाई 6 किताबें तो दी हैं पढ़ने को, तो उनमें से एक भक्ति संदर्भ था। तो उसमें मैंने कहा अच्छा भाई 6 किताब दे दिए गुरुजी ने, अब पढ़ता। गुरुजी के कमरे में बैठ करके बैठ गया अच्छा। गुरुजी के कमरे में बैठ करके किताब खुलाए थे बीच में से, बोले देखूं समझ में आएगा या नहीं। मेरा उम्र उस समय 12 साल का, कैसा विधारा, और उस समय गुरुजी ने किताब दे दी पीएचडी डिलीट वाली किताब, तो मेरे समझ में आएगा या नहीं आएगा। पर तो देखिए एक छोटी सी बात आज भी मैं बोलता रहता हूँ, मुझे याद भी है, सुनिए सुनिए। तो उसका मुझे याद है मैं पढ़ रहा था चौकीदार का से बोल हल्ला मचा देते हैं कि उस समय मैं पढ़ करके गुरुजी को सुनाया भक्ति के विषय में बोल रहे। एक चूहिया मंदिर में घी की बत्ती जलती, चूहिया जा करके मुंह लगा के घी पी जाती, ये रोज दिन का माहौल चला। ऐसे पीते पीते एक दिन रूई की बत्ती दांत में चिपक गई, फंस गई, जाने से चूहिया ने उस बत्ती को खींचा, खींचते ही बत्ती और जोर से जली, बड़ी जोर की जल। जलने के पश्चात उसी आग में ही वो चूहिया क्या है जल करके वहीं पर खत्म हो गई। अब पहला नंबर क्या हुआ, चूहिया मर गई। दूसरे नंबर में क्या हो रहा है, वो चूहिया दूसरे जन्म में जाके राजकुमारी बन करके जन्म ले रही है। कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल, एक राजघराने में वो राजकुमारी बन गई। सुकृति कैसे कहां आगे बढ़ाती है देखिए, राजकुमारी बन गई। बचपन से उसको स्वभाव आ गया कि भगवान के सामने बत्ती दिखानी है। छोटी बच्ची है, कुछ न कुछ बत्ती जला करके ऐसे घुमाती रहती है भगवान के सामने, जैसे छोटे छोटे बच्चों को देखा जाता है। तो ये संस्कार पिछले जन्म का संस्कार जो चूहिया से वो मरी है, पंत स्वभाव रह गया भगवान को बत्ती दिखाने का, बत्ती दिखाती रही बचपन से। फिर जब बड़ी हो गई वो भगवान को प्रणाम करने लगी, फूल चढ़ाने लगी, पूजा करने लगी, तो ऐसे सारा सब कुछ करती रही। बड़े हो करके जब उसने विवाह भी कर लिया, राजघराने चली गई,
परंतु जीवन में वो भूली नहीं, भगवान को बत्ती दिखाती रही। वही करते करते उसके जीवन में क्या हुआ, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती चली गई, भावना बनती गई। उसी से जब शरीर छोड़ा, सीधा भगवान के लोग जा रही है वैकुंठ धाम में। बोले कहाँ थी चुईया, चुईया से राजकुमारी, और राजकुमारी से भगवान का पार्षद बन करके वैकुंठ धाम में गई। चुईया से सीधा एकदम कूद के चली गई, कोई अधिक समय नहीं लगा। पर उस चूहिया को कुछ भी पता ही नहीं, वो जानती नहीं है भक्ति क्या है, भजन क्या है, भगवान क्या है। अनजाने में यदि इतना हो जाए, कोई जानबूझ करके भगवान की भक्ति करें, कुछ न कुछ करते रहे, तो उसको आगे निकाल देता है ना, कि सुकृति चाहिए। पहले भजन करने के लिए कुछ सुकृति चाहिए। सुकृति क्या होता है, कुछ सेवा, कुछ न कुछ सेवा होनी चाहिए। साधुओं का आशीर्वाद तो मिले, कुछ तो पड़ जाए हमारे पल्ले में। देखो भाई, मेरी बात कहूँ, जब मैं छोटा बच्चा था 12 साल का, उस समय मंदिर में आया, गुरु जी रोज दिन श्लोक देते थे पढ़ने को, और मेरा ऐसा काम पड़ गया, 10 दिन के अंदर में मैं भंडारी बन गया। मार्केट जाना, बाजार करके लाना, 250 व्यक्ति हैं साधु, 250 साधु का प्रसाद बनेगा, कितना सब्जी बनाना है, कितना काट करके देना है, नाप तोल करके सारा देता था, कितना चावल देना है, कितना दाल देना है, कितना तेल मसाला निकाल के देना पड़ेगा, सारा वही हमारा काम था। तो श्लोक याद करके जाता था, और गुरु जी के सामने जाकर बोलते समय भूल जाता था, कुछ न कुछ गड़बड़ी आएगा। तो ये बड़ी हंसी मजाक होती थी। अब साधु संघ की बात कर रहा हूँ, देखिए साधु की कृपा मिलनी चाहिए गुरु की। तो 1 साल 1.5 साल तो वहाँ मथुरा, ये नवद्वीप में रहा, उसके बाद मैं मथुरा आ गया। मथुरा आके मुझे सड़क के उधार से किनारे से वहाँ से पानी लाना पड़ता था, ऊपर दूसरे मंजिल पर चढ़ाना है, टंकी भरना है, मीठा पानी भरता था नल का, गर्मी का समय। हर 2 बाल्टी पानी में 2 श्लोक याद करता था। दसवीं घर में किताब ऐसे रख करके गया, एक बार ऐसे देख लिया, देख के चला गया, वहाँ से पानी ले करके आया, डाल दिया, 2 श्लोक हो गया, फिर दोबारा दूसरा श्लोक, ऐसे करते हुए रोज दिन 60-70 श्लोक याद करता था। सुबह सुबह और गुरु जी को 7 बजे सुनाना था, अच्छा फिर रसोई बनाना, गुरु जी की सेवा करना, फिर दोपहर को स्कूल में जाना, माधव चतुर्वेद संस्कृत विद्यालय में पढ़ता था, फिर शाम को आकर के गुरु जी को थोड़ा फल दिया, फिर गुरु जी बैठ गए, ले किताब लेकर के बैठ जाओ सब जने, एक एक पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, पढ़ करके फिर बोलना पड़ेगा, गुरु जी बोले कि बोलो क्या समझाए, बोलो, बोलना पड़ता था, फिर गुरु जी समझाते थे। तो ऐसे पढ़ाई होती थी। रात को आरती के बाद में प्रवचन में बैठते थे गुरुजी, 1 घंटा प्रवचन होता था, उसमें भी पढ़ा देते थे। तो ये ऐसे सारी शिक्षाएं हम लोगों को मिली बचपन में। जब मुझे नवोदय में ये श्लोक पर भरोसा नहीं था, वहाँ जाकर के भूल जाता था और गड़बड़ होता था, यहाँ गुरुजी को वही व्यक्ति 60-70 श्लोक सुबह सुबह सुनाना है, गुरु जी आप पहले सुन लीजिए, इसके बाद आपको नाश्ता मिलेगा। तो ये काम था।
और यदि गुरु जी प्रवचन देने नहीं देंगे तो खाना भी बंद कर देंगे। तो आप मुझे प्रवचन करने क्यों नहीं दिया? तो ये वाली बात थी बचपन में, ऐसे शैतान था। तो देखा क्या, भक्ति के लिए गुरु जी का आशीर्वाद तो मिले, साधु का आशीर्वाद मिल जाए, सिर पर बरद हस्त मिल जाए, हो जाएगा, अपने आप स्फुरण होगा, अपने आप स्फूर्ति होती रहेगी। आप अपने आप पढ़ेंगे, है ना? आप भक्ति 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 हजार चिल्लाते रहे, भक्ति तो क्या है भाई, हृदय सूख रहा है ना? अपने आप स्फुरण होता है, स्फूर्ति प्राप्त होने लगता है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इसलिए साधुओं की कृपा चाहिए और कुछ सुकृति चाहिए। सेवा के द्वारा क्या होता है, हमारे अंदर कुछ आ जाए, कुछ जमे, यहाँ खाली नहीं हो, ड्राई नहीं हो, सूखा नहीं पड़े, तो उसके लिए साधु की कृपा चाहिए। तो इसलिए भजन करते करते क्या होता है, पहले लक्षण क्या है, पहला लक्षण है कि भगवान की कथा सुनने में कितनी निष्ठा हो रही है, खूब काम धाम करता है, परंतु हरि कथा में रुचि नहीं है। तो बोले अभी भजन में प्रवेश नहीं हो रहा है। जब हरि कथा में रुचि होने लग जाए और सेवा में भी, तब समझा जाएगा कि भजन में प्रवेश हो रहा है। अब आगे चल करके भजन हो रहा है, आपका हमारा भजन हो रहा है, पता कैसे चलेगा, निष्ठा के द्वारा। निष्ठा, निष्ठा कैसी है, जैसे मान लीजिए आप माताएं हैं, घर में आप भले ही कैसे कपड़े पहनी हो, आधे कपड़े में हो, पूरा कपड़े में हो, चाहे कुछ भी पहनी हो, आपने सिंदूर लगाया या नहीं लगाया उसको कोई देखेगा नहीं। आपने बढ़िया से बढ़िया साड़ी पहन करके आप सज धज करके तैयार हैं, वो भी नहीं देखेगा। लोग क्या कहेंगे, भाई ये कौन है, वो घर की मालकिन है ना, उमुक की पत्नी है, यही तो माना जाएगा ना। निष्ठा, कपड़े को देखेगा नहीं, वेशभूषा को देखेगा नहीं, और किसी चीज को नहीं देखेगा, देखेगा कि भाई वो उमुक घर की व्यक्ति है, उमुक घर की, उमुक की पत्नी है। जो आपका जो निष्ठा है अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने पति में, वो निष्ठा आपको आगे बढ़ाए। ऐसे गुरु के प्रति निष्ठा हो, वैष्णवों में निष्ठा हो, ऐसे दे दीजिए, अरे ऐसे निकाल कर दीजिए। तो गुरु के प्रति, भगवान के प्रति निष्ठा, कुछ भी हो जाए हम गुरु को छोड़ेंगे नहीं, भगवान को छोड़ेंगे, उनका हम भजन करेंगे, उनकी हम सेवा करेंगे। तो जीवन में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गुरु का, वैष्णव का आशीर्वाद तो मिल जाए। आशीर्वाद कैसे मिलता है, आप सभी को होता है, अपने बच्चों को लाड प्यार करती है ना, स्नेह करती है, प्यार करती है, उससे क्या होता है, बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, उसका जीवन तैयार हो जाता है, बच्चों में संस्कार होता है, माता पिता का संस्कार, स्नेह प्रीति प्यार, तब एक दिन वो इंसान बन करके तैयार होता है, खड़ा होता है कि सच्चा इंसान। तो इसलिए कहते हैं आशीर्वाद।
ऐसे गुरु वैष्णव का आशीर्वाद हो हमारे प्रति, नजर पड़ जाए स्नेह प्रति, उनका स्नेह प्रति अंदर ही अंदर से आ जाता है ना, उससे भक्ति स्फुरन होने लगता है। दूसरा है ये निष्ठा, गुरु वैष्णव भगवान के प्रति निष्ठा बनी, निष्ठा ही उसे आगे बढ़ा देता है। फिर एक व्यक्ति भजन कर रहा है, क्या लक्षण है, क्या प्रमाण है कि ये व्यक्ति भजन कर रहा है? भजन का कोई लक्षण तो पता चलेगा। बोले हाँ, एक व्यक्ति भजन कर रहा है उसका प्रमाण है शांति अव्यक्त कालत विरक्ति मान सुंदरता शांति क्षमा गुण। चाहे क्रोध का कारण कितना बन जाए, कितना ही दिमाग बिगड़ के रहते, फिर भी क्रोध नहीं मन शांति बनाएगा, क्षमा गुण और विरक्ति संसार के प्रति अनाथ शक्ति। अव्यर्थ कालोत्तर व्यर्थ समय नष्ट नहीं होता है, देखिए सबके जीवन में समय चला जाता है, कितना बचा है कितना रहा, वो थोड़ा सा समय रहा यूं चला गया इधर में पीछे की तरफ, जितना समय बचा है उसके अंदर कुछ ग्रंथों का रस तो ले ले, कुछ भर ले हृदय में, है ना, कम से कम चैतन्य चरिता और श्रीमद् भागवत इन कथा रस को अंदर में भर ले। एक माता जी को मैंने देखा, फिजी में देखा था, फिजी देश में 100 के 100 से ऊपर जा रहे थे, बड़ी बुरी स्थिति एकदम, सर दुबला पतला हो गया, रोज दिन भगवान के चरणों के तुलसी जो है ना वो तुलसी पानी में डाल देते, जग में या ग्लास में लोटे में पानी में डाल करके रखते, वही पानी पिया करते, कोई रोग बीमारी उनको देखा नहीं। जब मैं जाता था तब तो मैंने उनको देखा कि चैतन्य चरिता में तो है, तो गुजराती वो गुजराती महिला तो चैतन्य चरिता में तो रट के रखते हैं, पूरा रटा हुआ है, अनर्गल धारा में बोलती रहती है चैतन्य चरिता में के पदों, तो हरिनाम खून को मिटेगा उनके हृदय में, हरिनाम स्फूर्ति होगा पाते बढ़ इसकी कुछ तो करे। गुरु जी बोलते थे बार तो पाए हरिनाम, केवल हरिनाम माला लेकर के करते रहे तो हृदय सूख जाएगा, रूखा सूखा अनुभव होगा, कुछ उसमें भीगा हुआ रस नहीं आएगा, किसमें आएगा, कुछ किताबों को तो पढ़े अपने हृदय में जमा ले भक्ति रस के किताबों को, तो उससे क्या होगा, हृदय भीगा रहेगा और उसी में ही चैतन्य महाप्रभु जी क्या करते थे, हरे राम करते करते उनके एक श्लोक पढ़ लिया, पढ़ करके उस भाव में डूब जाते, जैसे दीन दयात्रना हे मथुराना गीत ब्रह्मति किं करो मना। ये श्लोक राधा जी ने कहा था, कह रही है हे दिनों के प्रति दया करने वाले दयात्रना, हे मथुरा यदि तुम वृंदावन नाथ होते मैं कुछ कह सकता,
मथुरा के नाथ बन गए और मथुरा के राजा बन गए कि अब तो ब्रज का ब्रज की बात तो सारा भूल चुके हो मथुरा के। अब मेरे पास कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, हम मुए ही बने हम कुछ बोल नहीं सकते, कहने सकते कोई दावा तो नहीं ठोक सकते कि हमारी दावा है तुम्हें आना पड़ेगा यहाँ, तुम क्यों नहीं आओगे बता और किस बात से संभव हो गया। कदा श्याम सुंदर क्या कभी तुम्हारा चरण दर्शन मिलेगा, हृदय तदलोक कातरं, तुम्हारे दर्शन से मेरा हृदय अतिशय कातर हो चुका है, अतिशय पीड़ित, अब मैं क्या मेरी बुद्धि इस प्रकार विरह अधिक होकर रो गए। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को कहकर के बेबी बैकुंठ होकर रो रहे, जब इन श्लोकों को पढ़े समझे और कुछ मन में अनुभव करें, आज मैं भी कृष्ण के लिए विरह क्या थोड़ा सा कण भी आ जाए तो विरह की अनुभूति उस समय तड़पन आए, रोते हुए हरिनाम कर रहा है उस आंख में आंसू दे रहा है, हृदय भीगेगा या नहीं भीगेगा, भीगेगा ना। तो इसलिए केवल माला घुमाना नहीं, माला के साथ में कुछ तो ये भी करें। हे देव हे दयित हे भुवनैक बंध हे करुणैक सिंध हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम सुंदर मार्ग जब उसको समझेंगे और आप अपने दिल से प्रार्थना कीजिए आपका हृदय फटेगा, आंखों से आंसू आएगा। हे द्वैत तुम मेरे प्यारे कितना प्रिय हो, ऊपर से तुम बड़े प्यारे लगते हो पर अंदर से छुरी चलाते हो ना, चक्कू चलाते हो। तो इस तरह से जब अर्थों को भी समझ ले तो हृदय फटे। ये भुवन ही को बंधु तुम भुवन के एकमात्र बंधु हो, संसार के बंधु हो तो इस धरती पर मैं भी एक मेरे प्रति तुम्हारी दया। तो इस तरह से प्रार्थना है।